अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रहमान हब। आज दोस्तों हम आपको शो करवाएंगे इस प्योर जावा सील मुर्गे का। प्योर जावा सील मुर्गा होता क्या है, इसकी क्या क्या निशानी है, क्या क्या इसकी खसूसियात है, ये आज हम आपको बताएंगे। प्योर जावा सील मुर्गा कहता किसे है। अक्सर आप मंडियों में जाते हो, वहां पे आपको प्योर जावा सील मुर्गा कह के धोखे के नाम पे आपको लोकल मुर्गा दे देते हैं, जो ओल्ड ब्लड लाइन मुर्गा नहीं होता, जो सादा मुर्गा होता है, जो लड़ाइयाँ हारा होता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं इसे हम तैयार करेंगे, इसे आगे हम बेचेंगे, सेल करेंगे। जब आप आगे बेचने जाते हैं तो वो बिकता ही नहीं है, वो गोश्त के भाव मंडी में सारे लेते हैं, जहाँ भी आप बेचना चाहें। ये देखें, आज हम आपको दिखाएंगे प्योर जावा सील मुर्गा कहते हैं किसे। देखिए दोस्तों, जब भी आपने जाना है ना, पहली बात तो आपने मंडी से कोई जानवर परचेज नहीं करना, क्योंकि जो भी जानवर मंडी में आया होता है, जो अच्छा जानवर होता है, जो बेकार जानवर होता है, वो मंडी में आया होता है। ये आप खुद सोचें, जिसका अच्छा जानवर होता है उसका हाथों हाथ ही बिक जाता है। अब इसके हमने बच्चे निकलवाए थे, इसके बच्चे अभी मेरे पास निकले थे, और महीने बाद कोई इसके 10 बच्चे थे, वो 10 के 10 बच्चे मेरे सेल हो गए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी चीज़ अच्छी होगी ना, आपको बेचने की टेंशन नहीं होगी, आप कहीं पे भी रख के उसे बेच सकते हैं। इसलिए आपने जब भी लेना है, किसी शौकीन से लेने हैं इसके बच्चे, या कोई मुर्गा वगैरह भी लेना है, या कोई बियर भी लेना है आपने, तो किसी शौकीन से लेना है आपने, मंडियों से जाके ये मुर्गा परचेज नहीं करना, ठीक है ना। अब ये गाइस, जब मैंने ये मुर्गा लिया था ना, ये मैंने छोटा सा बच्चा लिया था, 2 माह का ये बच्चा था, ठीक है ना। आज इसे पाला, ये इतना बड़ा हो गया, ये 18 महीने का मुर्गा है मेरे पास, ठीक है ना। और आप ये मुर्गा चेक करें, ये इसका शौक मैं आपको करवाता हूँ। ये देखें, ये इसकी आंखें चेक करें आप, ये देखें, ये मुर्गे की आंख है, ये देखें, ये दूसरी साइड से आंख चेक करें मुर्गे की, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ऊपर से ये आप कलकी चेक करें। आपने जब भी मुर्गा लेने जाना है ना, पहले सबसे पहले उसकी ये जो कलकी है ये आपने देखनी है, उसके बाद उसकी ये देखें, ये चूंच देखनी है। ये जी मुर्गा की ना, जरा सी मेरी चूंच टूटी हुई है, उसकी चूंच भी पूरी होनी चाहिए मुर्गे की, ठीक है ना। ये मुर्गे की चूंच टूटी हुई ना हो, जो भी आपने, ठीक है ना। उसकी आंखें चेक करें, आंखों का कलर देखें, ये देखें ग्रे कलर में, ब्लैक ग्रे कलर में, ठीक है ना। ये देखें, ये दूसरी साइड से देखें आप, ये देखें। उसके बाद आपने मुर्गा चेक करना है, उसकी गर्दन का शौक करना है, उसकी गर्दन अच्छी हो, ठीक है ना। ये देखें, जैसे ये हमारे मुर्गे की है, ऐसे उसकी गर्दन अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ये पल्लों का शौक करना है, ठीक है ना। ये देखें, उसके पल्लों का शौक करवाते हैं मुर्गे के, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह ये पूरे पल्ले हों, ठीक है ना। ये अक्सर होते हैं मुर्गों के, ये जो कलकियां होती है ना, पर होते हैं, ये टूटे होते हैं, ये पर टूटे ना होने चाहिए, ठीक है ना। ये पर पूरे हों जैसे ये हमारे मुर्गे के है, ठीक है ना। ये देखें, ये दूसरी साइड से शौक करें आप, ये देखें, ये देखें, ये दूसरी साइड से, ठीक है ना। एक मुर्गे की ये ऊपर जो कलकी है ये अच्छी हो, दूसरा उसकी आंख अच्छी हो, तीसरा उसके पल्ले अच्छे हो, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज आती है ना मुर्गे की, वो आती है उसकी ये टांगे, ठीक है ना। ये देखें, ये जो है ना इसकी कलकियां, ये देखें, ये मुर्गा हाथ नहीं लगाने देता। ये जो अच्छे मुर्गे की निशानी होती है ना, सेहतमंद मुर्गे की निशानी, वो ये निशानी होती है, जब आप उसकी टांग पकड़ेंगे ना, वो आपको अपनी टांगे नहीं पकड़ने देगा कभी भी। ये देखें, ये देखें, अब मैं पकड़ता हूँ, ये मारता है, ये देखें, ये आप शौक करें, ये देखें, ये ऐसे खुश किसकी ये कलकी है, ये नीचे पैर होने चाहिए और चौड़ी ये इसकी टांगे होनी चाहिए, ये देखें, जैसे ये हमारे मुर्गे की है बड़ी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है इसकी दुम, ये देखें, दुम में अच्छा होना चाहिए मुर्गा आपका, ठीक है ना। जब दुम में अच्छा होएगा तो खूबसूरती भी जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी आपके मुर्गे की, ठीक है ना। ये दुम आ गई इसकी, ये देखें, ये देखें, दुम का शौक करें इसके मुर्गे की, ये देखें, ये देखें, दुम का शौक करें आप, ये देखें। उसके बाद आप ये शौक करें इसके कील का, ये देखें, ये ओवर हुए पड़े हैं, आपके भी अक्सर मुर्गों के होंगे, ये ज्यादा ओवर भी ना अच्छे नहीं लगते, इसे कटवा के इसे बराबर करवाएं। देखें ये जैसे मोड़े हुए हैं ना, ये ऐसे मोड़े हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे सीधे होने चाहिए। ये देखें, ये इसकी उंगली है, उंगलियों का शौक करें, ये इसके नाखून है,
ये इसके पैर है। आपने जब भी मुर्गा लेना है उसकी ये सारी खसूसियात देखनी है, ठीक है ना। जो इस मुर्गे में होएगा वो प्योर जावा सील मुर्गा होएगा, ठीक है ना। और आपने ऐसे मंडियों से जाके परचेज नहीं कर लेना। फिर बहुत से भाई लोग कहते हैं कि भाई हमारा मुर्गा ऐसा है, हमारा मुर्गा आपके मुर्गे की तरह नहीं बना, इसने वजन नहीं किया, इसने ये नहीं किया। आप ये मुर्गा हमारा पकड़ेंगे, मुर्गा आप पकड़ के देखेंगे कम से कम भी ये 5 kg मुर्गा होएगा, 5 kg का मुर्गा होएगा, ठीक है ना। और ये जो आपने देखनी है ना मेन बात, ये जो इसकी मेन बात है ना, ये आपने देखने है इसके पैर, ये देखें, ये इसके पैर जो है ना ये चौड़े होने चाहिए, ये देखें जैसे हमारे इस मुर्गे के ये चौड़े, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये देखना है उसकी ये जो उंगलियां है ना, ये उंगलियां टेढ़ी ना हो, पैर की उंगलियां सारी सीधी हो, ठीक है ना। ये मेन चीज जो चेक की जाती है मुर्गे में, वो प्योर जावा मुर्गा होता है, हर कोई प्योर जावा मुर्गा नहीं होता। ये देखे आप चेक करें मुर्गा, इसे हम छोड़ नहीं सकते, अगर इसे छोड़ा नहीं है फिर काबू नहीं आता, पकड़ा नहीं जाता, बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है मुर्गा। तो ये देखें आपको चेक करवाते हैं, ये देखें, ये चेक करें मुर्गा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके स्टैंडिंग पोजीशन देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें इसकी स्टैंडिंग पोजीशन। आपने ये भी देखना मुर्गे में मुर्गा खड़ा कैसे होता है, ये देखें, ये देखें, ये मुर्गे की स्टैंडिंग पोजीशन है खड़े होने की, ये देखें, ये इसे कहते हैं भजन प्योर जावा सील मुर्गा। हर कोई प्योर जावा नहीं होता, आप मंडियों में जाते हैं वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी प्योर जावा मुर्गा सील है, ये ले आपसे 10,000-12,000 ऐसे ठग के ले जाते हैं, बाद में आप परेशान हो रहे होते हैं हमें तो ये 2 नंबर चीज दे गया, ये दे गया। और आपने कभी भी मंडियों से ये ऐसे मुर्गे कितनी खरीदने, आपने किसी शकीनी से खरीदने जिसके पास पड़े होंगे, ठीक है ना। जिसके आप जब भी कोई बच्चा वगैरह खरीदे मुर्गे का, सबसे पहले उसकी माँ देखें, उसके बाद उसका बाप देखें, उसकी ब्लड लाइन कैसी है, फिर आप परचेज करें। ऐसे आपने परचेज नहीं करना किसी से, ठीक है ना। अगर उसकी माँ अच्छी होगी, उसका बाप अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है आगे उसकी औलाद भी अच्छी होगी, ठीक है ना। देखें जैसे चेक करें मुर्गा हमारा, ये देखें, ये देखें, ये देखें स्टैंडिंग पोजीशन देखें, ये होती है मुर्गे की, ठीक है ना। ये देखें आप मुर्गे की ये स्टैंडिंग पोजीशन देखें हमारी, ये देखें, ये इसे कहते हैं प्योर जावा सील मुर्गा, ठीक है ना। ये देखें कैसे खड़ा हुआ है मुर्गा हमारा, ये देखें, ये देखें, ठीक है ना, ये देखें चेक करेंगे, ये देखें, ये देखें। गाइस उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल अब्दुल रहमान हब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।